Hello everyone, as you all know this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series of business environment, एक नजर सब कवर. सो इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के थ्रू हम मूव करेंगे जो कि आपकी यूनिट थर्ड होगी. यूनिट वन यूनिट टू जो सिलेबस के अकॉर्डिंग था वो मैंने कवर कर लिया है. इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी नहीं पढ़ा तो उसको अगर आप सीरीज को फॉलो करके जाते हैं तो आपका अच्छा रिजल्ट आएगा. ठीक है, आज हम बेसिक जो नेक्स्ट यूनिट है जो कि काफी कॉम्प्लेक्स भी है उसके साथ हम शुरुआत करने वाले हैं. सो गाइस, मैं इसको इजीली एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूंगी, तो वीडियो को लास्ट तक देखेंगे. अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दिए, तुरंत लाइक कर दीजिए ताकि पॉजिटिविटी के साथ आप आगे मूव ऑन करें इस वीडियो में. मुझे इंस्टाग्राम पर प्लीज फॉलो करिए आप, स्टडी विद निहारिका तिवारी से. वहां पर आपको अच्छे अपडेट्स मिलेंगे, अच्छा वीडियो कंटेंट मिलेगा. सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. सो नाउ गाइस, आज जैसे कि देख पा रहे हैं हम नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कवर करने वाले हैं और वो टॉपिक होगा आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपने पढ़ा था, जैसे मैक्रो एनवायरनमेंट में कंपोनेंट तो हमने पढ़ा था, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट पॉलिटिकल ये सारी चीज़ें. तो यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के साथ, उसकी मीनिंग को समझेंगे, क्या है इसके फीचर्स, क्या इंपैक्ट होता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट का बिजनेस पे. इकोनॉमिक सिस्टम आपने पढ़े होंगे, कैपिटलिस्ट है, सोशलिस्ट है, मिक्स्ड है, तो उसके हम टाइप्स को मेरिट डिमेरिट के साथ डिटेल में पढ़ेंगे ताकि जो भी क्वेश्चन इससे बने वो आपको आता हो. और मिक्स्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया क्या है इसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे. ठीक है, सो स्टार्ट कर रहे हैं. सबसे पहला टॉपिक आता है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, की इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपका क्या है. ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या है. तो इनको इकोनॉमिक एनवायरनमेंट रिफर्स टू ऑल द इकोनॉमिक फैक्टर विच आर डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द बिजनेस एक्टिविटी. मतलब इकोनॉमिक, जैसे इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमी होती है मतलब कि हमारी जो कंट्री है उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, गुड्स के प्रोडक्शन से लेके उसका डिस्ट्रीब्यूशन, कस्टमर तक उस गुड्स को पहुँचाना, फिर उसका कंजम्पशन कस्टमर करे, ये सारी जो भी एक्टिविटीज़ हैं ये सब मिलकर क्या कहला रही है, हमारी इकोनॉमी कहला रही है. जो भी हमारी कंट्री के अंदर क्या हो रहा है, परफॉर्म हो रही है ये सारी एक्टिविटी, इन्हीं एक्टिविटीज़ के ही कारण तो कंट्री का ग्रोथ या डेवलपमेंट होता है. क्योंकि जब आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको बेच रहे हैं, कंज्यूम कर रहा है कस्टमर, उसके पैसे दे रहा है, फिर पैसे सर्कुलेशन में आ रहे हैं और इसके थ्रू हमारी कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है, तो ये सब चीज़ें क्या है, ये हमारी इकनॉमी है. और यही जो इकनॉमी में जो भी ये फैक्टर्स हैं, जैसे कि हमारा GNP हो गया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट हो गया, कि हम ग्रॉस मतलब कि कितना हम अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, BOP बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है हमारा, कितना आ रहा है कितना जा रहा है हमारी कंट्री से, पर कैपिटल इनकम हर एक इंसान कितना कमा ले रहा है, ठीक है उसकी इनकम क्या है, इन्फ्लेशन महंगाई क्या है, डिफ्लेशन मतलब कि सस्ता के मतलब कैसे डिफ्लेशन हो रहा है कि पैसे की वैल्यू कम हो गई है, इंटरेस्ट रेट, ये सारे क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर हैं. और जब ये इकोनॉमिक फैक्टर हमारे बिजनेस को, बिजनेस एक्टिविटी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं तो ये क्या कहलाता है, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. मतलब हमने यहाँ पे समझा कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है, कि जो भी इकोनॉमिक फैक्टर है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, GNP हो गया, प्रोडक्शन हो गया, ठीक है उसका पर कैपिटल इनकम हो गया, ये सारी चीज़ें क्या है, इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो एक इकोनॉमी को अफेक्ट करते हैं. क्योंकि अगर हमारे यहाँ की पर कैपिटल इनकम कम होगी तो लोग जो भी प्रोडक्शन है वो भी कम करें, क्योंकि इनके पास भी अपने पैसा लगाने वाला नहीं होगा, दूसरा कंज्यूमर भी कम खरीदें क्योंकि उनके पास इतना पैसा नहीं है, तो सर्कुलेशन में ही वो पैसा कम आएगा. तो ये सारे इकोनॉमिक फैक्टर हमारे बिजनेस को डायरेक्टली इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं और ये सब क्या कहलाते हैं, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट. अब हम समझेंगे फीचर्स क्या है इस इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के. इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या करते हैं, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हमें, इकोनॉमिक इंडिकेटर मतलब जो इकोनॉमिक कंडीशन बता रहे हैं कंट्री की क्या कंडीशन है, ये हमें ओवरऑल इनसाइट बताते हैं कि कंट्री कैसा परफॉर्म कर रही है, कंट्री की इकोनॉमी मतलब जो भी हमारा प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वो कैसे परफॉर्म हो रही है, उसका क्या स्टेटस है. इन इंडिकेटर्स में आते क्या क्या है, जैसे GDP, जैसे कि हम लोग देखते हैं कि आपको भी पता है लास्ट में GDP देखा जाता है कि हमारी कंट्री में कितना प्रोडक्ट जो है वो प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है इन्फ्लेशन रेट क्या चल रहा है, तो ये सब हमारी कंट्री की इकोनॉमी को क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमारी इकोनॉमी कैसी है, हम लोग डेवलप्ड हैं, अंडर डेवलप्ड हैं, या हम डेवलपिंग इकोनॉमी है, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है. ओके, सो इन्फ्लेशन रेट हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेवल हो गया, आपकी कंट्री में कितना एम्प्लॉयमेंट है, देखो ये सारी चीज़ें इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं, कंट्री की इकोनॉमी को बताते हैं कि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट लेवल क्या है, कितने लोग बेरोजगार हैं, कितने लोग का रोजगार है. क्योंकि अगर वो लोग बेरोजगार होंगे तो उनके पास पैसा भी नहीं होगा, परचेसिंग पावर नहीं होगी, तो ये सारी चीज़ें क्या करी, हमारी कंट्री की इकोनॉमी पे असर डाली, जो भी प्रोडक्शन है वो भी इससे डिस्टर्ब हो रहा होगा, कंजम्पशन भी डिस्टर्ब हो रहा होगा और डिस्ट्रीब्यूशन पर भी उसका असर आ रहा होगा. तो जितने भी बेसिक एक्टिविटीज़ हैं, क्योंकि इकोनॉमिक प्रॉब्लम आपको पता है कि क्या होती है, कि हमारे पास सब जो भी वो है रिसोर्स है वो लिमिटेड है और डिमांड ज़्यादा है, तो उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, कितना प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, किसके लिए प्रोड्यूस करें,
तो ये सब चीज़ें क्या है, ये सब इकोनॉमिक प्रॉब्लम है, और आपने पढ़ी होंगी 11th में, तो ये सारी चीज़ें याद रखना है कि इकोनॉमिक का पहला जो फीचर है वो है कि इकोनॉमिक इंडिकेटर, जो कि हमें बताते हैं हमारी कंट्री का कैसा परफॉर्मेंस है, क्या हेल्थ है, और वो इंडिकेटर क्या है, GDP हो गया, एम्प्लॉयमेंट लेवल, इंटरेस्ट रेट्स, कंज्यूमर की स्पेंडिंग, दे हेल्प इन द ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड ट्रेंड विद इन द इकोनॉमी, ये बताते हैं हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ में भी हेल्प करते हैं, ट्रेंड में भी, और इन सब चीज़ों में। मार्केट कंडीशंस का नेक्स्ट फीचर होगा जो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को एक्सप्लेन कर रहा है कि इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इज कैरेक्टराइज बाय द कंडीशन ऑफ मार्केट इन विच बिजनेस ऑपरेट। हम एक कंट्री की इकोनॉमी को बता सकते हैं अगर हम उसकी मार्केट को भी देख रहे हैं कि उसके मार्केट में कैसे एक बिजनेस ऑपरेट हो रहा है, उस बिजनेस वहां पे कैसा कॉम्पिटिशन का लेवल है, क्या साइज है उस मार्केट का, कैसी परचेजिंग पावर है, क्या रेगुलेशन है उसमें गवर्नमेंट के, इससे भी हमें एक कंट्री की इकोनॉमी का पता चलता है, उसके इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का पता चलता है। तो ये सारी चीज़ें भी क्या है, हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का फीचर होगा। मान लो किसी कंट्री में है कि बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लगा रखे हैं गवर्नमेंट ने, गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा कंट्रोल कर रही है वहाँ की चीज़ों को, तो हम कहेंगे कि हाँ ये जो इन्वायरमेंट है इनका वो काफ़ी सोशलिस्ट है, क्योंकि यहाँ पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है वो गवर्नमेंट की ज़्यादा चल रही है एज कम्पेयर टू कैपिटलिस्ट, जहाँ पे इंडिविजुअल की ज्यादा चलती है। तो इस तरीके से हम एक मार्केट का भी पता लगा के उसकी कंट्री की इकोनॉमी बता सकते हैं कि उस कंट्री का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैसा है। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन। गवर्नमेंट के जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो भी पॉलिसीज हैं, ये भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को इन्फ्लुएंस करती हैं। ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इज इन्फ्लुएंस बाय द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन जो इम्पैक्ट करते हैं बिजनेस के ऑपरेशन और मार्केट डायनेमिक्स में। मतलब बहुत सारे गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन बनाते हैं जिसका असर हमें देखने को मिलता है, ठीक है, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पे, कि टैक्सेशन पॉलिसीज है, ट्रेड पॉलिसी, लेबर लॉज रेगुलेशन, इन्वायरमेंटल, ये सब चीज़ें भी क्या करती है, एक कंट्री की इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पैसा डालती है इनका। जैसे टैक्सेशन पॉलिसीज है, तो गवर्नमेंट की टैक्स पॉलिसी अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है तो हमें उसका कहीं ना कहीं असर हमारे प्रोडक्शन एक्टिविटी पे, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजम्पशन, इन सारी चीज़ों में देखने को मिलेगा। लेबर लॉ कैसे है, तो प्रोडक्शन में हम उसी हिसाब से लॉज एंड रेगुलेशन को पूरा करते हुए ही प्रोडक्शन करेंगे, एक्टिविटीज़ परफॉर्म करेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, सो इसका असर देखने को मिलता है। देन ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर, जो भी हमारे ग्लोबल मतलब कि इंटरनेशनल लेवल के इकोनॉमिक फैक्टर है, जो दूसरी कंट्री के फैक्टर्स हैं, वो भी हमारी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को अफेक्ट करते हैं। जैसे कि इंटरनेशनल ट्रेड है, एक्सचेंज रेट क्या चल रहा है हमारी कंट्री का उस कंट्री के साथ, वहाँ की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या है, तो जैसे कि MNC है वो हमारी कंट्री में वर्क कर रही हैं, तो इन सब का असर हमारी कंट्री की जो भी पॉलिसीज़ इकोनॉमिक है उनका उस पर असर पड़ेगा, और हम जहाँ परफॉर्म कर रहे हैं उनकी पॉलिसीज़ जो रूल्स रेगुलेशन का असर हम पे पड़ेगा, और एज अब ओपन है, ग्लोबल मार्केट है, तो दोनों का असर एक दूसरे पे पड़े रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, कि टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट इनोवेशन भी क्रूशल रोल करती है इकोनॉमिक एनवायरमेंट को सेव करने के लिए। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस मतलब कि प्रोडक्टिविटी गेन्स, अगर हमारी कंट्री में टेक्नोलॉजी है वो इवॉल्व हो रही है, हम ज़्यादा इनोवेशन कर रहे हैं, तो हमारी कंट्री का इकोनॉमिक डेवलपमेंट अच्छा होगा, क्योंकि जो भी कंज्यूमर बिहेवियर चेंज हो रहा है, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है उसको हम ग्रैब कर पाएंगे, कंज्यूमर के टेस्ट एंड प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम प्रोडक्शन कर पाएंगे, उसी के हिसाब से हम डिस्ट्रीब्यूशन कर पाएंगे, तो इसका असर हमारे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में देखने को मिलता है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। तो कुछ ये रूल्स मतलब आप लिख सकते हो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के की फीचर्स में। अगर आपको इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इंडियन इकोनॉमी के की फीचर पढ़ने, तो आप बिजनेस इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी इकोनॉमिक बिजनेस इन्वायरमेंट, उस बिजनेस इन्वायरमेंट में मैंने इंडियन इकोनॉमी के फीचर्स डिस्कस किए हैं। तो बेसिक की फीचर अगर इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का आएगा, जो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दे, तो वो ये सारी चीज़ें जो हमने अभी डिस्कस की हैं। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बेसिकली क्या होता है, जो भी इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं जो इंडायरेक्टली इंडायरेक्टली एक बिजनेस एक्टिविटी को असर डाल रहे हैं, क्योंकि बिजनेस का इकोनॉमिक इन्वायरमेंट यही है जो बिजनेस पे असर डाल रहे हैं इकोनॉमिक फैक्टर्स। और इकोनॉमिक फैक्टर्स क्या होते हैं, बेसिकली वो फैक्टर जो एक कंट्री की इकोनॉमी को इफेक्ट करते हैं, मतलब उसके प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन, एम्प्लॉयमेंट, इन सारे फैक्टर्स पर असर डालते हैं। ठीक है, तो हमने कुछ इंडिकेटर्स देखे, पॉइंट याद रखना है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं जो ओवरऑल इनसाइट देते हैं, मार्केट कंडीशन भी इकोनॉमिक इन्वायरमेंट पर असर डाल रही है, ग्लोबल इकोनॉमिक फैक्टर, गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, इनको आप फैक्टर्स पे भी लिख सकते हो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट के, तो दो आंसर आप एक तरीके से फ्रेम कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं कि इम्पैक्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ऑफ बिजनेस, बिजनेस का बिजनेस पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट का क्या असर है। हमने पढ़ा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट क्या होता है, वो सारे इकोनॉमिक फैक्टर जो बिजनेस की वर्किंग पे असर डाल रहे हैं, जैसे कि GDP हो गया हमारा, ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे कंट्री का जो भी प्रोडक्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन, इन सब चीज़ों पर असर आ रहा है इन सब का, तो क्या इम्पैक्ट है। पहला है मार्केट डिमांड, मार्केट डिमांड
क्या है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस करता है कंज्यूमर के स्पेंडिंग पैटर्न। देखो इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में हमने पढ़ा कि जो भी हमारी कंट्री की जीडीपी है, इन्फ्लेशन है या पर कैपिटा इनकम है, तो ये सब चीज़ें क्या इफेक्ट कर रही है, ये हमारे स्पेंडिंग पैटर्न को, पैसा खर्च करने की कितनी हमारी पावर है, कैसे हम स्पेंड कर रहे हैं वो। जैसे कि हमारी कंट्री का जब इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा होता है, प्रॉस्पेरिटी मतलब कंट्री में जो भी प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन इसके थ्रू अच्छा पैसा सर्कुलेट हो रहा है, हम लोग प्रॉपरली वेल हैं, किसी चीज़ की कमी नहीं है, इस तरीके से ग्रोथ है, हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है, तो कंज्यूमर के पास भी हायर डिस्पोजेबल इनकम होगी, मतलब उसके पास ज्यादा पैसे होंगे, सर्कुलेशन में जब इतना पैसा है तो उसके पास भी ज्यादा पैसे होंगे, तो वो ज्यादा ज्यादा पैसे खर्च करेगा गुड और सर्विसेज में। लेकिन अगर मान लो कि इसका इकोनॉमिक हो, मतलब उल्टा हो जाए, कि इकोनॉमिक डाउनटर्न हो जाए, जैसे हम लोग देखा नहीं आपने कहा कि पाकिस्तान की जो मान लो अब इस टाइम पे जो इकोनॉमिक चल रही है वो क्या है, बहुत ज्यादा बेकार चल रही है, अंडर डेवलप्ड हो गया कंट्री, जैसे आपने सुना होगा अंडर डेवलप कंट्री, इसका मतलब क्या कि वहां पे जो भी प्रोडक्शन कंजम्पशन या डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट वाली ये सब जो चीजें हैं, जो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, वो सब क्या है, बहुत ही डाउन चल रही हैं। ठीक है, तो अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, प्रॉस्पेरिटी, इसका मतलब आप ज्यादा ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे हो, ज्यादा ज्यादा उसको सेल कर रहे हो और कंट्री में पैसा सर्कुलेट हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, फायदा हो रहा है और डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अगर इकोनॉमिक टर्न डाउनटर्न हो जाएगी, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रही और हमारा पैसा जा रहा है, तो क्या हो रहा है, कंज्यूमर अपने स्पेंडिंग, तो इतना पैसा सर्कुलेशन में नहीं होगा, तो लोगों को क्या इसका असर देखने को मिलेगा, जब पैसा कंट्री में नहीं है तो प्रोडक्शन पे भी ऐसा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ये भी होगा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट हो सकता है आपको जॉब से निकाल दिया जाए, तो आपके पास भी इतना पैसा नहीं होगा, तो आप कैसे करोगे, और प्रोडक्शन वालों के पास भी इतना पैसा नहीं होगा, क्योंकि कंट्री का मतलब कि सर्कुलेशन में ही इतना पैसा नहीं है। और आपने कभी कभी अपने कंट्री में भी ऐसा सुना होगा एग्जाम्पल कि मार्केट डाउन चल रही है, मार्केट डाउन क्यों चल रही है, क्योंकि सर्कुलेशन में इतना पैसा नहीं आ रहा है। ठीक है, तो लीडिंग टू रिड्यूस डिमांड फॉर प्रोडक्ट और सर्विसेज। तो अगर मार्केट में यही है कि अगर मार्केट में जो भी लोग हैं उनकी परचेजिंग पावर अच्छी है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है, तो उसका असर हमको पॉजिटिव दिखेगा। लेकिन अगर इकोनॉमी हमारी कंट्री की तरह डाउनटर्न है, मतलब कि नहीं इतना प्रोग्रेस कर रही है, तो कंज्यूमर का स्पेंडिंग पैटर्न पे असर आएगा, स्पेंडिंग नहीं कर रहा है तो ऑफकोर्स बिजनेस पे तो असर आएगा ही आएगा। कॉम्पिटिशन क्या हो सकता है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट करता है कॉम्पिटिशन के लेवल को। ठीक है, इन ग्रोइंग इकोनॉमी, मतलब जो ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे ग्रोथ है, न्यू बिजनेस में एंटर द मार्केट, इंक्रीजिंग कॉम्पिटिशन फॉर एग्जिस्टिंग कंपनी, वहां पे नए जो भी बिजनेस है वो मार्केट में एंटर कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन को बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर इकोनॉमी आपकी इतनी अच्छी नहीं है, डाउनटर्न है, मतलब इकोनॉमी की ग्रोथ नहीं है, तो कुछ बिजनेस स्ट्रगल भी करेंगे और हो सकता है वो बंद भी हो जाए, रिजल्टिंग इन रिड्यूस कॉम्पिटिशन। मतलब कि अगर आप मान लो आपकी जो कंट्री है वहां पे एग्जाम्पल है कि बहुत अच्छी ग्रोथ है, इकोनॉमी आपकी पीक पे है, अच्छा प्रोडक्शन लोग कर रहे हैं, अच्छा कंजम्पशन हो रहा है, पैसा सर्कुलेट हो रहा है, एम्प्लॉयमेंट अच्छा है, सब कुछ है कंट्री में, मेंटेन है हर चीज़, बैलेंस ऑफ पेमेंट वगैरह भी, तो आपके यहाँ कोई भी अगर नया बिजनेस आएगा तो वो अच्छे से रन कर पाएगा, क्योंकि वो भी उसके पास भी पैसा होगा कि वो प्रोडक्शन में लगा पाए, लोगों को हायर कर पाए, डिस्ट्रीब्यूशन अच्छे से कर पाए। लेकिन अगर वो इकोनॉमी में पैसा नहीं है, इतना कंट्री में ग्रोथ नहीं है, तो सिर्फ वही लोग सर्वाइव कर पाएंगे जिनके पास ज़्यादा मनी होगा। जो लोग अब अगर ग्रोथ लेवल पे आ रहे होंगे, जो स्टार्ट कर रहे होंगे, स्टार्टअप हो रहे होंगे, वो हो सकता है स्ट्रगल करें, क्योंकि इतना मार्केट में पैसा नहीं है और लोग इतना खर्च भी नहीं करेंगे ऐसे बिजनेस पे भी जो नो ना हो इतने, तो वहां पे भी उनको स्ट्रगल देखने को मिल सकता है, और हो सकता है वो बंद भी हो जाए, ठीक है, इतना पैसा ना होने की वजह से। तो ये भी है। इनपुट कॉस्ट क्या है कि चेंजेस इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कैन इम्पैक्ट द इनपुट कॉस्ट सच एज रॉ मटेरियल, लेबर, एनर्जी। फॉर एग्जाम्पल ड्यूरिंग पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन कॉस्ट ऑफ इनपुट में राइज। अब इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में अगर कोई चेंजेस है तो उससे आपके रॉ मटेरियल और लेबर, एनर्जी, सबकी कॉस्ट में भी असर देखने को मिलता है। मान लो अगर आपकी कंट्री में महंगाई है तो जो भी इनपुट है जैसे रॉ मटेरियल, उसके प्राइस आपने देखा होगा बढ़ गए, जैसे कि पेट्रोल के प्राइस बढ़ जाते हैं। क्यों बढ़ जाते हैं? क्योंकि हम कहते हैं हमारी कंट्री में इतनी इकोनॉमी जो है वो इतनी अच्छी नहीं है, तो अब ऐसी कंडीशन आ गई है कि हमारा जो भी पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, वो भी डिस्टर्ब हो चुका है, महंगाई भी इतनी बढ़ती जा रही है। तो महंगाई जब बढ़ रही है, लोगों पर इतना पैसा ही नहीं है और कुछ भी खरीदने के लिए उनको और ज्यादा ही इन्वेस्ट करना पड़ रहा है, तो आपके जो प्रोडक्शन में भी असर आएगा, क्योंकि जो भी आपको खरीदना पड़ रहा है गुड्स को दोबारा बनाने के लिए, फिनिश गुड्स को, तो उसकी भी प्राइस बढ़ जाएगी। तो सिमिलरली लेबर मार्केट में भी चेंज देखने को मिल सकते हैं, लेबर कॉस्ट पे अब सबकी प्राइस बढ़ रही है, तो लेबर भी यही कहेगा कि मैं भी ज्यादा रुपए में काम करूंगा, क्योंकि यार इतनी महंगाई है तो मैं कैसे अपने आप का गुजारा करूंगा, मैं कम पैसे चार्ज करूंगा। तो देख रहे हैं कि अगर कंट्री की इकोनॉमी में असर देखने को मिलता है, कंट्री में इन्फ्लेशन होता है, डिफ्लेशन होता है, ये सारी चीजें होती है, तो इसका असर बिजनेस पे पड़ता है। एसेस टू फाइनेंसिंग, द इकोनॉमिक इन्वायरमेंट अफेक्ट द अवेलेबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। इकोनॉमिक इन्वायरमेंट जो पैसे ही है उसकी कॉस्ट, उसकी अवेलेबिलिटी पे भी असर डालता है। जैसे अगर आपकी इकोनॉमिक
जो है वो अच्छी नहीं चल रही है कंट्री की, मतलब प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयमेंट, ये सब चीजें अच्छी नहीं है, यहाँ पे फॉल डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो जो बैंक और लेंडर हैं वो और ज्यादा कॉन्शियस हो जाएंगे लोन प्रोवाइड करने में, क्योंकि उनको लगेगा कि जब पैसा ही नहीं है कंट्री में तो हम सब पे कैसे बिलीव करें कि सब हमारा इंटरेस्ट दे लेंगे। ये सब हो सकता है, कोई पैसे लेके सब भाग जाए या कोई पैसे ही ना दे, बैंकक्रप्ट हो जाए, इतना है ही नहीं, अब सब लोग इतना डाउनफॉल चल रहा है, तो वहां पे लोगों को पैसे देने में भी दिक्कत होगी, और अगर वो देंगे तो वो ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। तो इससे क्या होगा, अगर बिजनेस को लोन लेना है तो उसको भी हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन लेना पड़ेगा, तो वो ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर पाएगा, ऑपरेशन एक्सपेंड करने से पहले 10 बार सोचेगा कि इतनी महंगाई में मुझे प्रोग्रेस करना चाहिए या फिर मैं इतने में ही अपना जो भी है खर्चा निकाल लूँ। कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस, इकोनॉमिक इन्वायरमेंट कंज्यूमर के कॉन्फिडेंस को भी अफेक्ट करता है, विच इन्फ्लुएंस, जो कि कंज्यूमर का स्पेंडिंग पैटर्न इन्फ्लुएंस करता है। अगर मान लो इकोनॉमी में क्या है, अनसर्टेनिटी है, डाउनटर्न्स है, तो कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस डिक्लाइन होगा, वो सोचेगा कि यार इतनी महंगाई चल रही है और इतना कंट्री की ग्रोथ भी नहीं हो रही है इतनी, और हम लोग क्या है बेरोजगारी की तरफ आ रहे हैं, हमारी कंट्री अंडर डेवलप में जा रही है, ठीक है, तो अंडर डेवलप में तो हम लोग डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, और जो भी हमारे है वो डिक्लाइन आ रहा है, डाउनफॉल आ रहा है, ठीक है, तो कंज्यूमर भी हिचकिचाएगा पैसा खर्च करने, वो सोचेगा मैं सेव कर लूँ, हो सकता है ऐसा टाइम आ जाए कि इतना पैसा मुझे वहां पे इन्वेस्ट करने की जरूरत लगे इन कंपेयर टू कि मैं अभी इतना उड़ा दूँ। तो ये आपने भी देखा होगा कि जब आप लोग, लगता है कोविड आया, कंट्री की इकोनॉमी पर बहुत अच्छा, मतलब बहुत बुरा असर पड़ा, सॉरी नॉट अच्छा, बहुत बुरा असर पड़ा, बहुत सारी चीज़ों की महंगाई बढ़ गई, बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज की कॉस्ट हाई हो गई, तो कंज्यूमर भी वहां कतरा रहा था कि मैं ज्यादा पैसे खर्च करूँ या ना करूँ, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर मैं ज्यादा पैसे खर्च कर दूंगा और मान लो ठीक नहीं हुई हालात, तो मैं कैसे सर्वाइव कर पाऊंगा। तो ये सारी चीज़ें हमारी कंट्री की इकोनॉमी में, ये सारी चीज़ें जो है वो हमें असर डालती है, हमारे बिजनेस पे असर डालती हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा मार्केट डिमांड, कंपटीशन, इनपुट कॉस्ट, एसेस टू फाइनेंसिंग, कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। आई होप कि ये अंडरस्टैंड कर पाए होंगे आप। नाउ हम मूव कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ गाइस, ठीक है। तो सबसे पहले आता है कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। हमने इकोनॉमिक इन्वायरमेंट को पढ़ा कि इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में मतलब कि ऐसी जो भी इन्वायरमेंट है जो कि इकोनॉमिक फैक्टर्स से रिलेटेड है, वो हमारा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इकोनॉमिक हमने पढ़ा जो भी प्रोडक्शन एक्टिविटीज, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन, ये सारी जो एक्टिविटीज है सब मिलकर हमारी कंट्री की इकोनॉमी बनाती हैं, और यही जो भी फैक्टर्स होते हैं जो इन पे असर डालते हैं, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और इन सब चीज़ों पर, ये सब हमारे एक साथ मिलकर बनाते हैं इकोनॉमिक इन्वायरमेंट बनाते हैं। अब आता है इकोनॉमिक सिस्टम क्या होता है। इकोनॉमिक सिस्टम रिफर्स टू द डिफरेंट वेज इन विच सोसाइटी ऑर्गेनाइज या प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन ऑफ गुड। हर कंट्री या हर सोसाइटी एक तरीके से ना प्रोडक्शन करती है, ना डिस्ट्रीब्यूशन करती है, ना कंजम्पशन करती है, अलग अलग तरीके अपनाती है प्रोडक्शन करने और डिस्ट्रीब्यूशन और कंजम्पशन करने की, उसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक सिस्टम, कि हमारी कंट्री का कैसा सिस्टम है डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन और कंजम्पशन का, हम किस तरीके से प्रोडक्शन को कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, कंजम्पशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं इकोनॉमिक सिस्टम। इकोनॉमिक सिस्टम इज डिजाइन बाय द नेशन टू यूटिलाइज हर रिसोर्सेज फॉर द पर्पज ऑफ सेटिसफाइंग द नीड्स एंड वॉन्ट। बेसिक पर्पज क्या है प्रोडक्शन का, कि हम जो भी रिसोर्सेज उसको प्रॉपर यूटिलाइज करें, ताकि हम ऐसा प्रोडक्ट प्रोड्यूस करें जो कस्टमर की नीड्स एंड वॉन्ट को सेटिस्फाई कर पाए। इकोनॉमिक सिस्टम एम्बॉडीज द नेचर ऑफ प्रॉपर्टी राइट, ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, मतलब किसके पास जो प्रॉपर्टी राइट्स है, कैसा नेचर है उसका, रिसोर्स की ओनरशिप किसके हाथ में, गवर्नमेंट के हाथ में, इंडिविजुअल के हाथ में, मार्केट मैकेनिज्म कैसे काम कर रहा है और गवर्नमेंट का क्या रोल है, ये सारी चीज़ें हम इकोनॉमिक सिस्टम में देखते हैं। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक है, सोशलिस्ट है और मिक्स्ड है। तो इससे क्वेश्चन बनते हैं, सबसे पहले हम आते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली कौन सी इकोनॉमी होती है, आप लोगों ने पढ़ी भी होगी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वो इकोनॉमी होती है जो बेसिकली जहाँ पे जो भी पावर है, जो भी ओनरशिप है रिसोर्सेज की, प्रॉफिट की, ठीक है, वो किसके हाथ में है, वो इंडिविजुअल के हाथ में है, जो बिजनेसमैन है, जो लोग हैं उनके हाथों में है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी इकोनॉमिक सिस्टम बेस्ड ऑन प्राइवेट ओनरशिप ऑफ रिसोर्स, यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है, जो भी रिसोर्सेज की ओनरशिप है वो प्राइवेट के हाथ में, ना कि गवर्नमेंट के हाथ में। तो वो डिसीजन ले रहा है यहाँ पे इकोनॉमिक के सिस्टम से रिलेटेड, क्या कंजम्पशन करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, कितना डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वो सब वो ले रहे हैं। तो इसके हिसाब से क्या होगा कि वो वही गुड प्रोड्यूस करना चाहेंगे जिससे उनको फायदा हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पे हम प्रॉफिट मोटिव को ज़्यादा ज़्यादा क्या करते हैं, ध्यान देते हैं। क्योंकि अगर आप भी बिजनेस कर रहे हो तो गवर्नमेंट तो सोशल वेलफेयर के बारे में सोचती है, लोगों के बारे में, लेकिन आप उस लोगों के बारे में दान दक्षिणा करने नहीं जाओगे, आप बिजनेस करोगे तो आप अपने बारे में सोचोगे। तो इकोनॉमिक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी वही है जहाँ पे ओनरशिप जो है वो प्राइवेट है। तो प्राइवेट ओनरशिप है इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, इंडिविजुअल एंड बिजनेस हैव द राइट टू ओन एंड कंट्रोल रिसोर्सेज, मतलब इनके पास राइट है कि ये जो भी रिसोर्सेज लाइक लैंड हो, फैक्ट्री हो, मनी हो, ये उनको ओन करे और उसको कंट्रोल करे कि उसको कैसे यूज करना है।
जो भी लैंड है उसका क्या यूज करना है, कितना पैसे को कैसे खर्च करना है, वो सारी पावर उनके हाथ में है, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस नहीं है। दे कैन यूज द रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। सप्लाई एंड डिमांड, जो भी प्राइस होता है इस इकोनॉमी में वो डिमांड और सप्लाई का फोर्स डिसाइड करता है। कि आप सोशलिस्ट में आप देखोगे तो वो गवर्नमेंट का डिसाइड डिसीजन होता है कि इस कॉस्ट मान लो उस पेन का क्या प्राइस होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी डिमांड को हम देखेंगे। अगर लोग ज्यादा डिमांड करें तो हम प्राइस ज्यादा रख देंगे, कम डिमांड करें तो हम प्राइस कम कर देंगे। ठीक है, प्रॉफिट मोटिव होता है यहाँ पे। मोटिव हमने वजह से डिस्कस किया, प्रॉफिट है, आप इतना प्रोडक्शन कर रहे हो, आप सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि आपको पैसे बनाने हैं, तो आप उस हिसाब से चीजें कर रहे हो। गवर्नमेंट का इंटरवेंशन ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं होता, लिमिटेड होता, गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है थोड़ा बहुत। रोल ऑफ गवर्नमेंट यूजुअली लिमिटेड, इट्स दैट एन एनफोर्स रूल टू इंश्योर ये फेयर कॉम्पिटिशन रहे, लोग एक दूसरे साथ धोखाधड़ी ना करें, प्रॉपर्टी राइट जो भी है उनको प्रोटेक्ट कर पाए, कोई दूसरे की प्रॉपर्टी ना हड़प ले, इंटेन अ स्टेबल बिजनेस इन्वायरमेंट, अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे। तो इसलिए गवर्नमेंट थोड़ा बहुत रूल्स एंड रेगुलेशन बनाती रहती है और इसको कंट्रोल करती रहती है। ठीक है, पहला पॉइंट अब आपको विजिबल होगा। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इनकम इनइक्वालिटी। देखो यहाँ पे इनकम इनइक्वालिटी होती है क्योंकि जो लोग बहुत ही मतलब पैसे वाले हैं वो तो यहाँ पे, अगर मान लो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने देखा है कि प्राइस जो है वो सप्लाई और डिमांड से तय हो रहा है, तो जो लोग के पास ज़्यादा पैसा है तो वो तो उस प्राइस को हाई रेट में खरीद लेंगे, लेकिन जिनके पास नहीं है वो क्या करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है, पुअर रिच तो रिच होते जाते हैं, पुअर जो होते हैं वो और पुअर होते जाते हैं। तो एक गैप देखने को मिलता है हमें यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो भी धंधा हो रहा है वो प्रॉफिट के लिए हो रहा है, तो वो वही गुड प्रोड्यूस करेंगे जिसके ज़्यादा डिमांड होगी, जिससे ज़्यादा उनको पैसा मिलेगा, ना कि वो ये देखेंगे कि सबके हम वेलफेयर के बारे में सोचें। अगर मेडिसिन भी है तो वो ये सोचेंगे कि हम इस मेडिसिन को बहुत ज़्यादा रेट में बेचेंगे क्योंकि जो पैसे वाले होंगे वो खरीद लेंगे, तो हमें ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा, और कम जो लोग कम है जिनके पास पैसा नहीं है तो उनसे हमें कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। तो ये क्या है, इनकम इनइक्वालिटी क्रिएट कर देती है। ठीक है, तो ये था इसका कि क्या मेरिट है आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की, कैपिटलिज्म बोलो या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलो, बात एक ही है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बेसिकली क्या होती है, वो इकोनॉमी जहाँ पे आपको पता है कि जो भी पावर है, ओनरशिप है, वो किसके हाथ में है, वो हाथ में प्राइवेट सेक्टर के। इसके साथ ही साथ जो वो प्राइवेट सेक्टर वही डिसीजन ले रहा है कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, ठीक है, और किस तरीके से प्रोड्यूस करना है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है। मोटिव क्या है, प्रॉफिट मोटिव, वेलफेयर का मोटिव नहीं है। गवर्नमेंट कुछ हद तक कर सकती है इंटरफेयर, लेकिन इतना ज्यादा नहीं। ठीक है, और डिमांड और सप्लाई प्राइस डिसाइड कर रहे हैं। तो ये सब हमने फीचर्स में पढ़ लिया। अब आता है कि क्या एडवांटेज है। पहला, इकोनॉमिक एफिशिएंसी। कैपिटलिज्म इज नोन फॉर प्रमोटिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी बाय एनकरेजिंग कॉम्पिटिशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो कैपिटलिज्म प्रमोट करता है। कैपिटलिज्म जो है वो इकोनॉमिक एफिशिएंसी प्रमोट करता है, कैसे, कंपटीशन को इनकरेज करके। द परस्यूट ऑफ प्रॉफिट मोटिव मोटिवेट्स बिजनेस टू इनोवेट इंप्रूव एंड प्रोड्यूस गुड एंड सर्विसेज दैट कंज्यूमर डिमांड। अब आपको पता है यहाँ पे जो मोटिव है वो प्रॉफिट मोटिव है, तो जो प्रॉफिट मोटिव होता है वो गवर्नमेंट को ये मोटिवेट करता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट प्रोड्यूस करो, क्योंकि इनोवेटिव प्रोडक्ट जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके कस्टमर जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा खरीदेंगे, और इससे क्या होगा, आपकी जो एफिशिएंसी है, जो पैसे है बनेंगे आपके, जो आप प्रॉफिट बना पाओगे वो इंक्रीज होगी। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल फ्रीडम। जो कैपिटलिज्म है वो इंडिविजुअल फ्रीडम और पर्सनल ऑटोनॉमी देती है। जैसे कि हमें पता है कैपिटलिज्म इकोनॉमी में जो भी पावर है, जो भी डिसीजन मेकिंग पावर है, जो भी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन और कंट्रोल है, वो सब इंडिविजुअल्स के हाथ में, बिजनेस के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। इसलिए क्या है कि उनको एक फ्रीडम मिलती है, उनको पता है कि हमें डिसीजन लेना है, हमें अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को देखते हुए ही चीज़ें करनी है। तो ये फ्रीडम जो है वो इनको इनेबल करती है कि वो क्रिएटिविटी के साथ काम करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिविटी इनोवेशंस लाएं, ताकि जो कस्टमर है वो उनके प्रोडक्ट को प्रेफर करें, रिस्क लें। ठीक है, और इससे क्या होगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सक्सेस गेन कर पाएंगे। कंज्यूमर चॉइस रहती है कैपिटलिज्म में, क्योंकि कैपिटलिज्म में एज कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, अलग अलग बिजनेस है, अलग अलग इंडिविजुअल जो आपस में कॉम्पिटिट कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, कंज्यूमर के चॉइसेस को भी प्रमोट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग इनोवेशंस करके अलग अलग तरीके के गुड्स लाएंगे, जिससे कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस रहेंगे कि उसे क्या चूज़ करना है। बिजनेस कॉम्पिटिट करता है कंज्यूमर को अट्रैक्ट करने के लिए, और बाय ऑफरिंग डाइवर्स प्रोडक्ट क्वालिटी इंप्रूवमेंट कॉम्पिटिटिव प्राइस।
ठीक है, और ये चॉइस अलाउ करती है कस्टमर क्योंकि वो अपने नीड्स एंड अकॉर्डिंग के हिसाब से बेस्ट प्रोडक्ट खरीद पाए। इट इज एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बताता है कि आप जो भी रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन कर रहे हो वो प्रॉपर अच्छी तरीके से कर रहे हो। एज आपको पता है आप कैपिटलिज्म में हो, आपकी ओनरशिप है, आपका कंट्रोल है, तो आप यही चाहोगे कि आप जो भी लिमिटेड रिसोर्सेज उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन करो, कम से कम जो है वो वेस्टेज करो, मिनिमम वेस्टेज होनी चाहिए। एवरी बिजनेस फर्म वॉन्ट टू मिनिमाइज द कॉस्ट, और कॉस्ट देखो कब मिनिमाइज होगी, जब आप कम से कम वेस्टेज करोगे। अगर आप ज्यादा वेस्ट कर रहे हो प्रोडक्ट को तो आपकी जो प्रोडक्ट है वो जो रिसोर्सेज है वो वेस्ट हो रहे हैं, तो वो जो पैसा आपने उसमें लगाया वो तो आपका वेस्ट हो गया। तो कॉस्ट क्या ऑटोमेटिकली इंक्रीज होती जा रही है आपके लिए। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, क्योंकि आप उससे फायदा नहीं निकाल पाए उसलिए कॉस्ट इंक्रीज हो गई। रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ देखने को मिलती है कि क्योंकि कैपिटलिज्म में लोग कॉम्पिटिशन में है, अच्छे से अच्छा इनोवेटिव प्रोडक्ट ला रहे हैं, कंज्यूमर की डिमांड को अच्छे से सेटिस्फाई कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि कंट्री में ग्रोथ देखने को मिलेगी, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन देखने को मिलेगा, कंजम्पशन डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा, तो कंट्री की ग्रोथ देखने को हमें मिलेगी। कंट्रीज ऑपरेटिंग अंडर कैपिटलिज्म सिस्टम हैव अचीव कंसिडरेबल इंक्रीज इन पर कैपिटा इनकम, में भी इंक्रीमेंट देखने को मिला है। एज रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ इनेबल करती है लोगों को कि वो हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, मतलब अच्छे लिविंग स्टैंडर्ड के साथ रहें और अच्छे से जो भी गुड्स हैं अच्छे रेट पे उन्हें कंज्यूम कर पाएं। नेक्स्ट आते हैं कि कुछ डीमेरिट भी है इसी कैपिटलिज्म की। पहला, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। वन ऑफ द प्राइमरी क्रिटिसिज्म ऑफ कैपिटलिज्म इज पोटेंशियल फॉर इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। आपको भी पता है यहाँ पे इकोनॉमिक इनइक्वालिटी देखने को मिल जाती है, क्योंकि अगर कॉम्पिटिटिव नेचर है तो कॉम्पिटिशन में लो हो सकता है, अगर मोनोपोली आपने बना ली है तो आप इतना हाई प्राइस रख सकते हो जो क्या करेगा कि सिर्फ वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास पैसा है, जिनके पास वेल्थ है। एज आप प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करें तो आप ये नहीं सोचोगे कि नहीं उनके लिए भी हमें कुछ करना चाहिए, हमें वेलफेयर की तरफ थोड़ा देखना चाहिए, आप ये नहीं सोचोगे। आप अपना प्रॉफिट बनाने के लिए उस लेवल तक जा सकते हो, तो जहां भी ये होगा कि जिसके पास पैसा है वो तो चीजें खरीद लेगा। पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हो गया है, जिसके पास पैसा है वो तो पेट्रोल खरीद लेगा, अपनी गाड़ी में डला लेगा और चल लेगा, लेकिन जिसके पास नहीं उसका क्या होगा। तो ये सारी चीजें, ये सारे फैक्टर्स, एक एग्जाम्पल था वो इस तरीके से, जहां पे भी प्राइवेट सेक्टर का ही बोला वाला है तो वो अपनी मर्जी का प्राइस सेट कर सकती है, और इससे वो ये नहीं देखेगी कि गरीब आदमी उसके थ्रू बेनिफिट ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा है, तो एक गैप देखने को मिलेगा। इसमें हमें सोशल वेस्टेज देखने मिलता है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन है, यहाँ पे लोग चाहते हैं हमारा प्रोडक्ट ज्यादा बिके, हमारे कस्टमर ज्यादा बने, तो वो क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट पे, इन सब चीजों पे पैसा ज्यादा से ज्यादा वेस्ट कह सकते करने लगती, अननेसेसरी एडवर्टाइजिंग करने पे ध्यान दे देती है, कैंप्स लगाना वगैरह, लोगों को फ्री प्रोडक्ट बांटना, जिसकी वजह से क्या होता है एक तरीके का वेस्ट होता है, और जो भी कंट्री का रिसोर्सेज है उसका भी आप प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं कर पाते हो इस केसेस में, क्योंकि आपका बस मोटिव है कैसे भी कैसे बस लोगों तक ये पहुंचे और हमें प्रॉफिट अर्न हो पाए। राइज ऑफ मोनोपोली हो सकती है, जो भी बिग बिजनेस है ठीक है वो कंट्री की इकोनॉमी को डोमिनेट कर सकते हैं कैपिटलिस्ट सिस्टम में, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको भी पता है जब एक मोनोपोली हो जाती है तो वो अपने हिसाब से चीजें रन करते हैं, अपने प्राइस सेट करते हैं, तो आपके पास वो पावर नहीं रह जाती है कि आप उसको कुछ भी उस पर कंट्रोल ला पाओ, क्योंकि वो उनकी मोनोपोली है तो वो उनके हिसाब से चल रही होगी चीजें। तो ये पब्लिक के ओपिनियन और लाइफ स्टाइल को इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि मोनोपोली है तो जो आपको जो मिल रहा है जिस रेट पर मिल रहा है आपको वो लेना पड़ेगा, एज आपके पास कोई अल्टरनेटिव अवेलेबल नहीं है ठीक है। तो जो फ्री प्ले हो रहा था मार्केट का, सप्लाई और डिमांड का, वो आगे जाके क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है ठीक है, क्योंकि अगर लोगों को लग रहा है कि हमारे बिजनेस है तो हम एक साथ मर्ज कर लेते हैं, एक मोनोपोली बना लेते हैं और फिर इस गुड्स को हम ही बेचेंगे क्योंकि हम ही बना पा रहे हैं ठीक है। शॉर्ट टर्म फोकस होता है, कैपिटलिज्म ऑफन एम्फसाइजेस शॉर्ट टर्म प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। जो कैपिटलिस्ट होती है वो यही सोचित करती है कि कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा हम प्रॉफिट बना लें, वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस पे इतना ध्यान नहीं देती है, और यही शॉर्ट टर्म जो ओरिएंटेशन है वो इसकी वजह से इन्वेस्टमेंट, मतलब वो रिसर्च डेवलपमेंट नहीं करना चाहती। आपको पता है एनवायरमेंटल एनालिसिस करोगे, एनालाइज करो, जिसमें टाइम लगेगा, फिर उस हिसाब से आप प्रोडक्शन करो, उस हिसाब से चीज़ों को प्रोड्यूस करो, डिस्ट्रीब्यूट करो, ताकि आप कंज्यूमर की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर पाओ। लेकिन इनको क्या है, इनको चाहिए कि हमें प्रॉफिट बनाना है और हमें कम से कम समय में प्रॉफिट बनाना है, तो ये उन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। ये सोसाइटी के टुवर्ड की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ इग्नोर कर देते हैं, बस अपने प्रॉफिट पे ध्यान देते हैं। तो इनका जो फोकस है वो सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे है, और वो कम से कम समय पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे होता है। लैक ऑफ एक्सेस ऑफ टू बेसिक नीड, जो बेसिक नीड होती है उस पर कोई एसेस नहीं होता है। इन प्योरली मार्केट ड्रिवन कैपिटलिज्म सिस्टम देयर इज रिस्क दैट सर्टेन एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज मे बी इनएसेसिबल और अनअफोर्डेबल फॉर इंडिविजुअल विद लो इनकम। जैसे कि मैंने से पहले बात भी की कि जिनके पास इनकम कम है, हो सकता है जो नेसेसरी गुड है, जो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, लाइक मेडिसिन हो गए जो कि एसेंशियल है, वो भी इतने प्राइस पे बढ़ जाए कि वो भी आम आदमी ना ले पाए
ठीक है, जैसे हेल्थ केयर, एजुकेशन, हाउसिंग, जो कि सबके लिए जरूरत वाली चीजें हैं। तो अगर कैपिटलिज्म है, और ऐसा कैपिटलिज्म जो प्योरली कैपिटलिज्म जहाँ पे लोग ही डोमिनेट करें, गवर्नमेंट का बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं, तो हो सकता है ऐसा रिस्क देखने को मिल सकता है कंट्री में कि गुड एंड सर्विसेज जो बहुत ही एसेंशियल है वो भी एक रीच से चली जाए इंडिविजुअल कस्टमर की तरफ से। ठीक है, नेक्स्ट आता है सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है। जैसे हमने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पढ़ा जहाँ पे जो कंट्रोल था वो हमारे तो मतलब जो भी बिजनेस है प्राइवेट ओनर्स उनके हाथ में था। सोशलिस्ट इकोनॉमी बिल्कुल अपोजिट है, यहाँ पे जो भी कंट्रोल है वो पब्लिक सेक्टर के हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में है। मतलब जो भी डिसीजन लेना है प्रोडक्शन के रिगार्डिंग, डिस्ट्रीब्यूशन के रिगार्डिंग, कि कितना प्रोड्यूस करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना है, किस टेक्निक के थ्रू प्रोड्यूस करना है, लेबर ज्यादा लगाने, मशीन लगानी, ये सारे जो भी डिसीजन है वो कंट्री की गवर्नमेंट ले रही होती है, वो होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी। कलेक्टिव ओनरशिप इट इन सोशलिस्ट इकोनॉमी, गवर्नमेंट ओन एंड कंट्रोल की रिसोर्सेज सच एज लैंड, फैक्ट्रीज। वहां पे कौन की रिसोर्सेज को, लैंड फैक्ट्रीज को ओन कर रहा था? प्राइवेट इंडिविजुअल। यहाँ पे गवर्नमेंट करे, तो गवर्नमेंट क्या चाहती है? वेलफेयर चाहती है लोगों का। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी वेल्थ और रिसोर्सेज उसको इसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करेगी कि हर जो भी मेंबर सोसाइटी के पास, उन सबके पास इक्वल वेल्थ हो, इक्वल रिसोर्सेज होगी, वो सब अपनी नीड उसको पूरा कर पाए। ऐसा ना हो कि कुछ लोग के हाथ में पैसा है और कुछ लोग हाथ में पैसा नहीं है। इकोनॉमिक प्लानिंग, सोशलिस्ट इकोनॉमी टिपिकली इन्वॉल्व सेंट्रल इकोनॉमिक प्लानिंग, द गवर्नमेंट सेट अप प्रोडक्शन टारगेट। यहाँ पे गवर्नमेंट बताती है कि क्या हमारा टारगेट होगा, हमें कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो भी है प्रोडक्शन को कोऑर्डिनेट करना है। तो जितना भी प्लानिंग है इकोनॉमिक के रिगार्डिंग वो बिजनेस मतलब वो गवर्नमेंट ले रही होती है, बिजनेस मैन नहीं ले रहे होते, और मेन एम होता है पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, पब्लिक प्रोविजन ऑफ गुड एंड सर्विसेज इन सोशलिस्ट इकोनॉमिक, गवर्नमेंट ऑफन प्रोवाइड एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज सच एज हेल्थ केयर, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन टू इंस्योर। अब देखो वहां पे क्या था कि जो हमने देखा था कि एक रिस्क हो सकता है कि जो बेसिक या एसेंशियल चीजें वो भी लोगों की रीच से चली जाए, लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमिक ऐसी इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट की जिम्मेदारी की जितने भी एसेंशियल गुड एंड सर्विसेज वो खुद प्रोवाइड करेगी ताकि ये सब तक पहुंचे। एम्फेसिस ऑन सोशल वेलफेयर, सोशल वेलफेयर पे हमारा फोकस होता है कि हमारा जो मेन मोटिव है प्रॉफिट कमाना नहीं होता है सोशलिस्ट इकोनॉमी में, एज गवर्नमेंट के हाथ में चीजें, तो गवर्नमेंट यही फोकस करती है कि सबका विकास हो, सब लोग अच्छे से साथ में आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट इज प्राइस रेगुलेशन। प्राइस रेगुलेशन क्या है कि जो भी प्राइस होते हैं इस इकोनॉमी में वो जैसे वहां पे था कि डिमांड और सप्लाई देख रही होती है कि डिमांड बताएगी कि सप्लाई बताएगी क्या प्राइस रखना चाहिए। यहाँ पे गवर्नमेंट सेट करती है प्राइसेस जो भी एसेंशियल गुड होते हैं उनके लिए, और प्राइस इन सोशल इकोनॉमी आर ऑफन रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल इन्फ्लेशन। अगर गवर्नमेंट को लग रहा है बहुत ज्यादा महंगाई हो गई है कंट्री में, तो वो उस हिसाब से प्राइस को कंट्रोल करना शुरू करेगी कि महंगाई को हम किस तरीके से कम करें। ठीक है, इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन, गवर्नमेंट को लग रहा है कि किसी एक सेक्टर में बहुत ज्यादा पैसा आ गया, हाई क्लास उनके पास ज्यादा पैसा आ गया, लो क्लास जो रिच नहीं है उनके पास कम पैसा है, ये इकोनॉमिक जो इनकम है वो गैप आ गया, तो वो ये करेगी कि उन लोगों पे ज्यादा टैक्स लगा दे, वो पैसा कलेक्ट कर ले और सब्सिडीज दे दे उन लोगों को जिनके पास इतना नहीं है। तो इससे क्या होगा, एक स्टेबिलिटी आ जाएगी दोनों साइड पे पैसों की, तो वो इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन पे भी जाती है, प्रोग्रेसिव टैक्स लगाती है, सोशल वेलफेयर प्रोग्राम लगाती है, जिससे कि थ्रू वो उन लोगों को तक रिसोर्स पहुंचाती है जिनके पास नहीं है। तो ये क्या होगा, जो ये गैप होगा वो क्या हो जाएगा, एक तरीके से बैलेंस आउट हो जाएगा। अब इसके भी कुछ फायदे हैं आपके सोशलिज्म के या सोशलिस्ट इकोनॉमी के, जहाँ पे गवर्नमेंट का बोला वाला है ना कि प्राइवेट सेक्टर का, या पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रही है, यहाँ पे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी देखने को मिलती है। द प्रॉब्लम ऑफ ओवर प्रोडक्शन, अंडर प्रोडक्शन, आइडल कैपेसिटी एंड बिजनेस साइकिल एलिमिनेटेड बिकॉज द सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी टेक ऑल द मेजर डिसीजन। स्टेबिलिटी क्यों होती है, क्योंकि यहाँ पे ना तो आपका ओवर प्रोडक्शन जाएगा कि आप ज्यादा प्रोड्यूस कर लो कि चीजें बर्बाद हो रही है, ना तो अंडर की उतना प्रोड्यूस नहीं किया कि लोगों की नीड पूरी हो पाए। ठीक है, ये सारी चीजें यहाँ पे नहीं होती, क्योंकि जो भी सेंट्रल अथॉरिटी है वो प्लान कर रही है सारे डिसीजन को। पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सर्विसेज, सोशलिज्म इंफेसाइज द डेवलपमेंट ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस। गवर्नमेंट जिम्मेदारी उठाती है कि जो भी पब्लिक सर्विस है जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, एजुकेशन है, वो लोगों तक पहुंचाई जाए, ये भी एडवांटेज है। एब्सेंस ऑफ क्लास स्ट्रगल, क्लास स्ट्रगल का जो भी है, अलग अलग क्लास का स्ट्रगल, वो नहीं होता है कि किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, कुछ रिच है, कुछ पुअर है, ऐसी सारी चीजें जो है वो नहीं देखने को मिलती है। ऑन अकाउंट ऑफ स्टेट ओनरशिप ऑफ प्रोडक्टिव रिसोर्स, द सोशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, देयर इज नो स्ट्रगल बिटवीन हैव एंड हैव नॉट, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय अनदर इज अवॉइडेड। वहां पे क्या था, जिसके पास पैसा है वो दूसरी, जिसके पास पैसा नहीं उसको डोमिनेट कर सकती है, उसको जिस तरीके से एक्सप्लॉयट कर सकती है, लेकिन यहाँ पे सिंस गवर्नमेंट है तो वो सबके वेलफेयर के बारे में सोच रही है, तो उस तरीके का वो लेवल खड़ा कर देगी, सब बराबर पेस पे रहेंगे। वर्कर
एम्पावरमेंट, सोशलिज्म गिव इम्पोर्टेंस टू वर्कर राइट्स एंड पार्टिसिपेशन. सोशलिज्म जो है वो वर्कर जो भी है उनके राइट्स और उनके पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस देती है, ये सपोर्ट करती है कि वर्कर जो है वो एक साथ काम करें, जो भी इम्प्लॉयज हैं वो ओनरशिप लें, जो भी प्रोडक्शन उसको कंट्रोल करना शुरू करें. इससे क्या होगा कि वर्कर्स को भी हम डिसीजन मेकिंग पावर में लाएंगे, उसके साथ भी प्रॉफिट शेयर करेंगे. तो ओवरऑल हम वर्किंग इन्वायरमेंट उनका अच्छा कर रहे हैं और वर्कर को एम्पावरमेंट कर रहे हैं. तो सोशलिज्म में गवर्नमेंट जो है वो वर्कर के भी इम्प्लॉयज की भी पूरा ध्यान रखती है. ये नहीं कि हमें प्रॉफिट कमाना है तो उनका उनके ऊपर ना ध्यान रखें, उनका हम एक्सप्लॉटेशन करें, क्योंकि हमें पता है महंगाई इतनी है, कंट्रोल हमारे हाथ पे, तो हम उनका एक्सप्लॉटेशन शुरू करें. ये कैपिटलिज्म नहीं है, सोशलिज्म है. ठीक है, सोशल वेलफेयर मोटिव होता है. तो सोशल वेलफेयर एक एडवांटेज है कि सोशल वेलफेयर हो रहा है, लोगों को जो भी बेसिक नीड है वो पूरी हो रही है, और जो डिस्पैरिटी है इनकम, जो भी कमी है, गैप है, वो रिड्यूस हो रहा है. तो ये सारी चीज़ें क्या रखेंगे. अब आता है कि इसकी कुछ डीमेरिट है, मतलब डिसएडवांटेज है, अगर सब कुछ गवर्नमेंट के हाथ में आ भी जाए, सारा डिसीजन गवर्नमेंट ले ले कंजम्पशन प्रोडक्शन डिस्ट्रीब्यूशन एम्प्लॉयमेंट से, तो क्या डिसएडवांटेज देखने को मिलेगी. पहला, लैक ऑफ इंसेंटिव एंड इनिशिएटिव. सोशलिस्ट इकोनॉमिक में पीपल जो है वो, उन्हें पता है कि हमारा जो काम है वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, वेलफेयर करना. तो जो लोग होते हैं डू नॉट हैव इंसेंटिव फॉर हार्ड वर्क एंटरप्राइज एंड एफिशिएंसी. तो उन्हें पता है कि हम कोई भी हार्ड वर्क कर ले या कुछ भी इनोवेटिव करें, तो हमको उसके लिए क्या है, एक अलग से कुछ इंक्रीमेंट नहीं मिलना है, या हमें कोई अलग से उसके लिए प्रोत्साहन नहीं मिलना है. सब हमें वही मिलेगा जो एक फिक्स जो सैलरी या वेजेस है जो हमें गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए. तो हमें कोई ज़रूरी नहीं कि मतलब इनिशिएटिव ले, मेहनत करे और कुछ नया सोचे. जो चल रहा है जैसे चल रहा है वैसे चलने दो. जैसे कि गवर्नमेंट जॉब में भी लोग ऐसा, अब नहीं है, पहले ऐसा होता था कि जो वो लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, उनको पता है गवर्नमेंट से फिक्स सैलरी आनी ही आनी है, तो वो इतना इनोवेटिव नहीं होने के सोचते थे, ना ही कुछ इनिशिएटिव लेना चाहते थे, एज कम्पेयर टू प्राइवेट सेक्टर जिसको पता है कि हम कुछ नया करेंगे, हो सकता है हमारा प्रमोशन हो जाए. ठीक है, तो ये लैक ऑफ इंसेंटिव इनिशिएटिव देखने को मिलता है. लिमिटेड इंडिविजुअल फ्रीडम. अब गवर्नमेंट सारे डिसीजन ले रही है, तो जो इंडिविजुअल फ्रीडम वो हमें देखने को नहीं मिलेगी. यहाँ पे जो सेंट्रलाइज कंट्रोल एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन रिसोर्सेज मे रिस्ट्रिक्ट इंडिविजुअल एबिलिटी टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन, पर्सी एंटरप्रेन्योर एक्यूमुलेट वेल्थ बेस्ड ऑन देयर पर. मतलब कि जो भी इंडिविजुअल है, जो अलग अलग बिजनेस है, जो अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं, वो उनको इतनी फ्रीडम नहीं है कि आप अपने तरीके से चीज़ों को कंट्रोल करो या डिसाइड करो. गवर्नमेंट है तो वो डिसाइड करेगी आपके लिए और आपको उसे फॉलो करना है. लॉज ऑफ ऑक्यूपेशनल फ्रीडम, फ्रीडम नहीं रहती है. सोशल इकोनॉमी पीपल डू नॉट एंजॉय फुल फ्रीडम टू चूज ऑक्यूपेशन एम्प्लॉयमेंट फॉर देयर लाइकिंग. सेंट्रल अथॉरिटी डिसाइड करती है कि आपको कौन सा ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयमेंट चूज करना है. आपके पास ये पावर नहीं कि आप चूज करो कि आपको किस ऑक्यूपेशन या एम्प्लॉयमेंट पे काम करना है. ठीक है, वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी. लैक ऑफ मार्केट एफिशियंसी, मार्केट की एफिशियंसी में कमी देखने को मिलती है. सोशलिज्म ऑफन इन्वॉल्व सेंट्रल प्लानिंग एंड गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन विच लीड टू इनएफिशियंसी रिसोर्स एलोकेशन. गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करी है, जो भी कितना प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, वो सब गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रही है, उसे कंट्रोल कर रही है. विदाउट कॉम्पिटिटिव फोर्सेज ऑफ द मार्केट द प्राइजिंग मैकेनिज्म इंसेंटिव फॉर इनोवेशन एफिशियंसी मे बी डैमेज पोटेंशियली रिजल्टिंग इन लोअर प्रोडक्टिविटी. इसके वजह से क्या होगा कि जो भी हमें पता है डिमांड सप्लाई सब चीज़ें डिसाइड नहीं कर रही है कि कितना प्रोडक्शन होना है, ये गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है. इनोवेशन के जो लोग ट्राई कर रहे हैं वो सब चीज़ें भी हमें यहाँ देखने को नहीं मिलेगी. तो मार्केट में फिर जो भी ग्रोथ है वो स्लो हो जाएगी. इतना प्रोडक्टिव इन्वायरमेंट नहीं है कि लोग नए नए चीज़ों के साथ आ रहे हैं, कस्टमर को इम्प्रेस कर रहे हैं, कस्टमर उसको खरीद रही है, उस तरीके से जो है जैसा है वैसा ही चल रहा है. तो मार्केट में जो एफिशिएंसी जो कैपिटलिज्म में देखने को मिलती है, कॉम्पिटिशन वगैरह, ये सब चीज़ें हमें इतनी देखने को नहीं मिलेंगी यहाँ पे. लैक ऑफ कंज्यूमर चॉइस, कंज्यूमर ऑफकोर्स चॉइस लिमिटेड है. गवर्नमेंट डिसाइड करे कितने प्रोडक्ट खरीदने हैं, तो कॉम्पिटिशन तो है नहीं कि लोग अलग अलग नया नया चीज़ें लाएं कि हम उनको अट्रैक्ट कर पाएं. जो है जैसा है वैसा आपको मिल रहा है, आप उसे खरीद रहे हो, कॉम्पिटिशन भी इतना नहीं है, ना मार्केट में आपके पास चॉइस है. तो लैक ऑफ कंज्यूमर चॉइस. अब जैसे इंडिया में पहले जब पब्लिक सेक्टर का हो गया था तो ये सारी चीज़ें देखने को मिल रही थी हमें कि हमें हमारे पास इतनी चॉइस नहीं थी. हमें फॉरेन से तो कॉम्पिटिटर्स आ नहीं रहे थे, हमारे कंट्री में जो भी प्रोडक्शन होता हम उसे ही कर रहे थे. वहाँ से भी कोई ग्लोबलाइजेशन वाला सीन भी नहीं था. हमारी कंट्री में भी बहुत सारे सेक्टर थे जो प्राइवेट को नहीं दिए जाते, सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर ही उस पर वर्क कर रहा था. जब पब्लिक जब प्राइवेट सेक्टर वर्क करते थे, रेलवे में प्राइवेट सेक्टर है, तो उससे काफ़ी इनोवेशन लाया. तो कंज्यूमर के लिए वो चीज़ें अच्छी देखने को मिली, मार्केट में भी वो एफिशिएंसी आई वहाँ पे. लेकिन यहाँ पे जब गवर्नमेंट ये सब कुछ करे तो इतना एफिशिएंट एनवायरनमेंट हमें देखने को ना मिलता है, ना ही कंज्यूमर के लिए इतनी वैरायटी ऑफ चॉइस मिलती है. नेक्स्ट इज मिक्स्ड इकोनॉमी.
इन दोनों की इकोनॉमी के कैरेक्टरिस्टिक जिस इकोनॉमी में मिलते हैं वो होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। यहाँ पे इन दोनों के जो भी डिसएडवांटेज उसे कम करने की कोशिश की जाती है, ऐसा इकोनॉमी क्रिएट करनी होती है जहाँ पे इन दोनों के हमें बेनिफिट दिखे। मतलब कैपिटलिज्म में भी जो है जो हमने बेनिफिट देखा हमारा गवर्नमेंट वाले में मतलब पब्लिक वाले में जो कि आपका सोशलिस्ट था वो दोनों का फायदा हमें इस इकोनॉमी में देखने को मिलता है। डेट इज योर मिक्स्ड इकोनॉमी। ये सिस्टम है जो कंबाइन करता है कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का। इंडिविजुअल आर एबल टू सेटअप बिजनेस एंड मेक प्रॉफिट। इसमें क्या है कि जो इंडिविजुअल है उनके पास भी पावर कि आप भी बिजनेस सेट करो, प्रॉफिट अर्न करो, ठीक है। बाकी जो भी प्रोग्रेसिव टैक्स होंगे मीन्स टेस्टेड बेनिफिट टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड प्रोवाइड सेफ्टी नेट। लेकिन गवर्नमेंट भी कंट्रोल रखेगी कि आपको कोई आप इनइक्वालिटी चीजें मतलब कोई भी आप ऐसा क्रिएशन ना कर दो कि लोगों को इनकम इनइक्वालिटी फेस करनी पड़े, तो ये सारी चीज़ें भी ना हो, इसलिए वो भी आप पे नज़र रखेगी टैक्सेस के थ्रू या अलग अलग सोर्सेज के थ्रू। प्राइस जो है वो मार्केट फोर्स डिसाइड करते हैं जो कि डिमांड और सप्लाई। लेकिन गवर्नमेंट भी ये देखती है कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप कुछ प्राइस जो है वो कुछ इतना हाई रख दो लाइक मेडिसिन का, तो वो भी एक देखती रहती है कि इसका मिनिमम प्राइस यही होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं जा सकते हो। जैसे कि ऐसा ना हो कि जैसे सिगरेट है तो उसके डिस्करेज यूज को डिस्करेज करने के लिए गवर्नमेंट कहती है उसमें हायर टैक्स लगाती है, प्राइस को बढ़ा देती है। भले ही डिमांड सप्लाई उसका प्राइस कम रख रहा हो लेकिन वो उसका प्राइस क्या कर रही है और बढ़ा दे रही है ताकि लोग उसे ना खरीदे। तो ये क्या है, ये गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही एक साथ क्या करें काम कर रहे हैं। बिजनेस आर फ्री टू डिसाइड व्हाट टू प्रोड्यूस, प्राइस टू पे, बट दे आर अ गवर्नमेंट रेगुलेशन गवर्नमेंट लेबर मार्केट एंड अब्यूज ऑफ मोनोपोली पावर। मतलब बिजनेस के पास तो पावर है कि वो डिसाइड करे कितना प्रोड्यूस करना है, कितना पे करना है, किसके लिए प्रोड्यूस करना। लेकिन गवर्नमेंट भी ये देखेगी कि आप उस चीज़ का फायदा ना उठाओ, कि आप मोनोपोली बना लो, आप सिर्फ ये सोचो कि हम सब एक साथ हो जाते हैं और मनचाहा प्राइस कोट करने लग जाते हैं। तो गवर्नमेंट जो है यहाँ प्राइसिंग पे भी ध्यान दे रही होती है कि आप इतना ज़्यादा प्राइस ना सेट कर दो, और आप जो भी प्रोड्यूस कर रहे हो वो उस पर भी ध्यान दे रही होती है कि आप किस तरीके से प्रोडक्शन कर रहे हो, कि आप उसमें धोखाधड़ी ना कर रहे हो, ठीक है। जैसे पता है कि जो भी ऐसे गुड्स जैसे कि हेल्थ वाला भी गवर्नमेंट का होता है कि वो देखती है क्वालिटी टेस्ट करती है प्रोडक्ट का, फिर ही वो मार्केट में जाता है। तो ऐसा नहीं कि प्राइवेट मनचाहे चीज़ें प्रोड्यूस करेंगे, उसको पहले अप्रूवल भी चाहिए होगा अलग अलग गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का, उसके बाद ही वो चीज़ें आएंगी मार्केट में। तो गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं चीज़ों को क्या करती है, कंट्रोल करती है, और लोगों के पास भी फ्रीडम होती है कि आप इनोवेशन इनोवेटिव चीज़ें करो और सोसाइटी में सर्व करो, ठीक है। नेक्स्ट इज मेरिट ऑफ मिक्स इकोनॉमी। अब इस मिक्स इकोनॉमी के भी फायदे हैं और इसके भी नुकसान हैं, तो उसको देखते हैं। पहला है इंडिविजुअल फ्रीडम। यहाँ पर देखो इंडिविजुअल फ्रीडम तो होगी ही, क्योंकि हमने भी देखा है यहाँ पे गवर्नमेंट भी है इंडिविजुअल भी है, तो प्राइवेट इंडिविजुअल को भी चॉइस दी जाती है कि आप अपना क्या आपको करना है, कैसा बिजनेस करना है, क्या एम्प्लॉयमेंट करना है, आप वो करो, कितना प्रोड्यूस करना है ये सब आप डिसाइड करो, अपने लैंड पे कैसे क्या करना है वो आपके ऊपर है। कंज्यूमर को भी फ्री है कि वो आप कोई भी गुड एंड सर्विस जो भी आपको लगता है आप बाय करना चाहते हो करो, किसी भी क्वांटिटी में करना चाहते हो वो करो, तो आपको एक फ्रीडम देखने को मिल रही है। इकोनॉमिक ग्रोथ रैपिड होता है। आपको पता है जब प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर साथ में काम करती है तो हमें ग्रोथ देखने को मिलती है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं प्रॉफिट पे भी काम कर रही होती है और गवर्नमेंट उस चीज़ को ओवर पावर भी नहीं होने देती कि आप प्रॉफिट पे ही जाओ और फिर एक्सप्लॉयटेशन कर दो, तो वो उसको भी कंट्रोल करी, मतलब वेलफेयर भी हो रहा है, प्रॉफिट भी हो रहा है, तो इकोनॉमिक की ग्रोथ जल्दी जल्दी हमें देखने को मिलती है। मतलब गवर्नमेंट ही सिर्फ करेगी, वेलफेयर पे ध्यान देगी, तो ग्रोथ फिर हमें देखने को नहीं मिलेगी उतनी, ठीक है, क्योंकि वो डेवलपमेंट, क्योंकि वो लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचेगी, तो हो सकता है वो प्रॉफिट ना कमाए, इतना पैसा ना बना पाए, तो हमारी कंट्री की डेवलप जो भी ग्रोथ है वो रुक जाए, ठीक है, हम इतना इन्वेस्टमेंट ना कर पाए अलग अलग चीज़ों पे। सोशल वेलफेयर भी वो है, क्योंकि सोशल वेलफेयर क्यों है, क्योंकि यहाँ पे मिक्स इकोनॉमी है, तो गवर्नमेंट ये ध्यान रखने के लिए है ही लोगों का कि लोगों के साथ कोई गलत चीज़ें ना हो, मोनोपोलीज है तो उसको चेक करती रहे कि कोई मोनोपोली ना क्रिएट कर पाए, पावर जो है वो कुछ ही हाथ में ना आ जाए, ऐसा ना कि सिर्फ रिच लोग ही खरीद पाए चीज़ें, तो जो क्लास डिफरेंस उसको भी कम कर पाए, तो ये सब क्या है इसकी एडवांटेज है। सो नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट थिंग दैट इज डी मेरिट ऑफ मिक्स इकोनॉमी। मिक्स इकोनॉमी पढ़ा जहाँ पे गवर्नमेंट और पब्लिक दोनों साथ में काम कर रही है, मतलब पब्लिक और प्राइवेट दोनों सेक्टर साथ में काम कर रहे हैं। अब इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकती है उसको करेंगे। देखो यहाँ पे फ्रीडम पूरी नहीं है, क्योंकि ऑफकोर्स मिक्स इकोनॉमी है, सेमी कंट्रोल इकोनॉमी, यहाँ पे गवर्नमेंट का भी कंट्रोल है और प्राइवेट सेक्टर का भी कंट्रोल है, तो यहाँ पे फ्रीडम इतनी प्राइवेट सेक्टर को नहीं मिलेगी कि अपनी मन मर्जी पे आ जाओ, अपनी मर्जी के जो भी डिमांड सप्लाई को देख के प्राइस सेट करने लग जाओ, मोनोपोली क्रिएट कर दो, नहीं होगा, गवर्नमेंट है कंट्रोल करके रखेगी। तो फ्रीडम इतनी नहीं है, इनएफिशिएंसी है, रूल्स एंड रेगुलेशन है गवर्नमेंट के, तो प्राइवेट को लगता है कि हम एफिशिएंटली वर्क नहीं कर सकते। अगर आपके ऊपर कोई ज़्यादा से बार बार आपको बता रहा है ये करना है, ऐसे नहीं करना, वो करना है, तो आप क्या करोगे, इतना बेस्ट नहीं दे पाओगे, इतनी क्रिएटिविटी इनोवेशन नहीं कर पाओगे। तो पब्लिक सेक्टर
के लिए थोड़ी इनएफिशिएंसी जो है वो देखने को इसमें मिलती है, ठीक है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन इतना नहीं है पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में, अलग अलग मोटिव है। जहां पब्लिक प्राइवेट कहता नहीं हमें प्रॉफिट कमाना, वहां गवर्नमेंट कहते नहीं आप वेलफेयर के बारे में भी सोचे, तो आर्ग्यूमेंट होगी, क्लैशेस होंगे और जो एक कोऑर्डिनेशन है वो बिगड़ जाता है दोनों के बीच में। अनसर्टेनिटी, क्लैरिटी नहीं होती तो गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज चेंज करती रहती है। तो जो भी बिजनेस है, जो प्लान बना के बैठे हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करके बैठे हैं, उनके बारे में डिसीजन लेके बैठे हैं, अब गवर्नमेंट की जहां पॉलिसी चेंज हुई तो वो उनकी चीजों पे असर डालना शुरू कर देगी। तो प्रोडक्टिव नहीं है, मतलब आप कुछ प्रोडक्ट नहीं कर सकते हो यहाँ पे चीजें। तो अनसर्टेनिटी और क्लैरिटी नहीं होती, दोनों एक दूसरे तरफ पेयर नहीं है कि गवर्नमेंट आपको बताती रहे टाइम टू टाइम कि हमें क्या क्या चीजें करनी है या क्या आने वाला है, वो कुछ भी ला देगी और आपको उसको फिर अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। इंडिया की इकोनॉमी कैसी है, मिक्स इकोनॉमी, मतलब हमारे कंट्री में कैपिटलिज्म भी है सोशलिज्म भी है, मिक्स इकोनॉमी के जो भी फीचर्स है वो सब कैप इसमें आप लिख सकते हैं अगर आपको कुछ ना आए पेपर में। तो जो भी फीचर आपने पढ़े हैं कि आप प्राइवेट सेक्टर पब्लिक सेक्टर दोनों काम करते हैं, एक साथ काम करें, वेलफेयर के बारे में सोच रहे हैं, इनोवेशंस के बारे में भी सोच रहे हैं, तो इस तरीके से आप फीचर लिखोगे तो वो भी एकदम सही आएगा। तो यही है कि क्या फीचर है कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो सोशलिज्म कैपिटलिज्म दोनों को कंबाइन करती है। हमारे यहाँ जो भी इकोनॉमी में रिफॉर्म आए हैं इंडिपेंडेंस के बाद से, प्राइवेट सेक्टर है यहाँ पे, है प्राइवेट सेक्टर वही सेक्टर है जो काम कर रहा है प्रॉफिट मोटिव के लिए। अलग अलग इंडस्ट्रीज हैं, अलग अलग एंटरप्रेनर्स हैं जो प्राइवेट सेक्टर से यहाँ बिलोंग करते हैं। इसका रोल है कि इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाना, एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना, इनोवेशन करना। पब्लिक सेक्टर है जो यहाँ पे इस काम को देखता है हमारी कंट्री में कि पब्लिक जो भी सेक्टर है जिसके अंदर है, जैसे डिफेंस है, रेलवे, टेक्नोलॉजी, एनर्जी, टेलीकॉम्युनिकेशन है, इन पे काम करे, इनको अच्छे से ऑपरेट करे और एसेंशियल सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर है वो लोगों तक पहुंचाएं। तो यहाँ पे दोनों सेक्टर हैं हमारे कंट्री में जो वर्क कर रहे हैं। गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन को हम फॉलो करते हैं हमारी इकोनॉमी में, जो बिजनेस उसको पता है गवर्नमेंट के जो भी पॉलिसीज है, लाइसेंस से रिलेटेड हो या लेबर लॉ हो या एनवायरमेंटल के रेगुलेशन है, उनको करके ही हमारे कंट्री में प्रोडक्शन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, कंज्यूमर का प्रोटेक्शन भी हमें उस तरीके से करना है। तो यहाँ पे गवर्नमेंट है तो गवर्नमेंट के रेगुलेशन हमारी कंट्री में होते हैं जो ये सारी चीज़ों को देख रहे हैं, ताकि हम स्टेबिलिटी ला पाए कंट्री में, लोगों के इंटरेस्ट को भी प्रमोट कर पाए और कंपटीशन जो कि फेयर लेवल पे बना पाए। हमारे यहाँ इकोनॉमिक प्लानिंग हो रही है, मतलब कि हमारी कंट्री में जो भी सेंट्रलाइज प्लानिंग होती है कि किस तरीके से हमें कंट्री की इकोनॉमी पे काम करना है, कितना प्रोडक्शन करना है, कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे करना है, कहाँ कहाँ पैसा लगेगा, 5 ईयर प्लान में हम जैसे टारगेट सेट करते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी कंट्री की इकोनॉमी को डिफाइन कर रही है। सब्सिडीज और वेलफेयर प्रोग्राम है, गवर्नमेंट आपको पता है उन लोग को सब्सिडीज देती है जिनके पास इतना रिसोर्सेज नहीं है, ताकि वो भी अपना कुछ स्टार्ट कर पाए, उनको कुछ छूट दी जा रही है यहाँ पे। तो मनरेगा है, जैसे कि रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम के रूरल लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट की गारंटी दे दी कि आपको हम रोजगार देंगे, गवर्नमेंट देती है। बहुत सारी सब्सिडीज जैसे फूड में हो गए, फ्यूल में हो गए, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें लेस प्रिविलेज लोग को गवर्नमेंट दे रही है, ताकि कंट्री में इकोनॉमी जो है वो स्टेबल बनी रहे, ऐसा ना हो कि इनकम डिस्पैरिटी देखने को मिले, एक गैप देखने को मिले जो कैपिटलिज्म में था। फिर मार्केट ओरिएंटेशन रिफॉर्म भी कैरेक्टरिस्टिक हमारी इकोनॉमी का, कि यहाँ पे जो मार्केट रिफॉर्म है वो चेंज हुए, जैसे हमारी पहले कंट्री में आपको पता है कि लिबरलाइजेशन नहीं था, ग्लोबलाइजेशन नहीं था, प्राइवेटाइजेशन नहीं था, लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर को भी अपॉर्चुनिटी दी गई है, लाइसेंसिंग को कहीं कहीं सेक्टर में, बहुत सारे सेक्टर में हटाया गया है, ग्लोबल वर्ल्ड को भी इन्वॉल्व किया गया है कि आप भी बिजनेस करिए, आप भी दूसरे सेक्टर में जाके कंट्री में बिजनेस करिए। तो मार्केट में भी काफ़ी रिफॉर्म देखने को मिले हैं। मिक्स्ड परफॉर्मेंस है, मतलब कि इंडिया जो है वो मिक्स इकोनॉमी है, मतलब कि यहाँ पे आपको ग्रोथ भी देखने को मिल रही है और प्रॉब्लम भी देखने को मिल रही है, सक्सेस भी है, चैलेंजेस भी है, इनोवेशंस भी हैं और वेलफेयर भी है। तो हर चीज है यहाँ आपके लिए, सक्सेस भी है आपके लिए, कुछ चैलेंजेस भी हैं जो हमारी कंट्री की इकोनॉमी में देखने को मिलती है। प्राइवेट सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन करके, इस तरीके से कंट्री चैलेंजेस भी फेस कर रही है, यहाँ पे पॉवर्टी है, गरीबी है, इनइक्वालिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप है, तो ये सब चीजें हमें देखने को मिल रही है हमारी कंट्री की इकोनॉमी में जो कि है मिक्स्ड इकोनॉमी। आई होप कि समझ में आया होगा आपको, यहाँ पे हमने काफ़ी डिटेल में समझा इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के इन सारी टॉपिक्स को। तो अगर आपको कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देंगे, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देंगे और नेक्स्ट पार्ट के लिए बने रहेंगे। थैंक यू।